उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बयान के बाद से बीजेपी प्रवक्ता ने हरीश रावत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत अपनी हार नहीं पचा पा रहे हैं, हरीश रावत को अब संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हरीश रावत कई मर्तबा संन्यास की बात भी कह चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया है। वह अपनी बात से मुकर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले पहले भारतीय थे, जिन पर हरीश रावत ने गलत टिप्पणी की है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, हरीश रावत जी का जहां तक मैं बात करना चाहूंगी कि हरीश रावत जी को अब संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कितनी बार तो वादा किया है कि मैं इसके बाद संन्यास ले लूंगा, इसके बाद संन्यास ले लूंगा, लेकिन अपनी एक बात पर भी वो खरे नहीं उतरते हैं। कभी गंगा जल लेके संन्यास लेते नजर आते हैं, कभी कुछ लेके, और हरदा शायद भूल गए कि उनका नाम एक दूसरा भी पड़ा है, हारदा। तो वो जिस प्रकार से जितनी भी बातें कर ले, वो उनपे एक मस्खरी का टैग लगाती हूँ मैं, क्योंकि वो मस्खरी करते नजर आते हैं। अब उनकी मस्खरी का ये देख लीजिए आप हद, वो जिस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी श्री वीर सावरकर जी की बात करते हैं, तो शायद उन्होंने उनका इतिहास नहीं पढ़ा है कि वीर सावरकर जी वो पहले भारतीय थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में भारत के पहले व्यक्ति वो बने थे, और 1857 की लड़ाई में भारत को प्रथम स्वाधीनता संग्राम बताते हुए 1907 में लगभग 1000 पृष्ठों का उन्होंने इतिहास लिखा था।